अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज फ्री हूँ, आपके स्कूल से छुट्टी थी तो मैं अपनी पूरी नींद पूरी करके उठ गया। तो अभी हम जाते हैं नीचे, नाश्ता करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आज आज स्कूल से छुट्टी थी तो हो सकता है मैं अपनी कज़न के घर भी जाऊँ, फिर क्योंकि उन्होंने जो अपने छत पर परिंदे रखे हैं आपको उनका सेटअप भी दिखाऊँ। तो अभी चलते हैं नीचे जाके नाश्ता करते हैं। आज का व्लॉग करते हैं अभी शुरू दोस्तों। तो अभी मैं नीचे जाता हूँ, नाश्ता करता हूँ, बहुत भूख लगी है, फिर आपको हम नाश्ते के बाद मिलते हैं। हमारा नाश्ता हो गया कम्प्लीट, अब हम आपको अपनी बीटा की अपडेट देते हैं। जी तो हमारी बीटा भी यहाँ पे बड़ी है, देखें लगता है भाई ने इधर रख लिया, ये देखें कितनी फ्रेंडली हो गई है और पहले से थोड़ी बड़ी भी हो गई है। इधर देखें कितनी खिलड़ी है इसका, हम कोई पहले से बहुत बड़ी हो गई है, इसका हम कोई नाम सोच रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बता देना। ये देखें कितनी प्यारी मछली है, पहले से काफ़ी बड़ी हो गई है। तो अब हम जा रहे हैं अपने कज़न की तरफ, तो आप पे जाके आपको मिलते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने कज़न के घर, आपको कज़न से भी मिलाते हैं, इनका सेटअप भी दिखाते हैं। मलिक रिहान आज भाई, तो जब संडे होता है ये हमारे घर आ जाते हैं, हम इनके घर जा जाते हैं चिल करने, आपको इनका सेटअप भी दिखाते हैं। सॉरी रिहान भाई, आप हमें कौन कौन सी नस्ल के जानवर खाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरे भाई को शौक आया था, उसने रखे हैं जानवर, शौक के लिए रखे हैं थोड़े, आ जाओ आपको दिखाते हैं। चलिए इनको दिखाते हैं आपको इनके जानवर। माशाल्लाह इन्होंने तो पहले बड़े भी रखे हैं, हमने भी रखे हैं, लेकिन हमारे थोड़े छोटे, इनके देखे कितने बड़े हैं, उनके अच्छे बड़े अच्छे पंडित हो रहे हैं, देखे कितने अच्छे। भैया आपको हमें पहले क्या चीज़ दिखाएंगे? आपको हम पहले बैंटम दिखाते हैं, इनकी क्या खसूसियात है? इनकी खसूसियत ये है कि इनका काज छोटा होता है, ये फर्श भरे होते हैं, इनके पैसे इस चीज के हैं। तो आपने ये कहाँ से लिए थे? ये हमने लिए थे टूटल मार्केट से। माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं। तो ये कब लिए थे आपने? ये हमने ले लिया 3-4 माह हो गए। माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। इन्होंने तो अंडा भी दिया हुआ है। हाँ जी, ये अभी उठाना है, अंडा दिया हुआ है, ये ऐसे निकालेंगे ये। तो इनके आपके पास कोई छोटे वक्त तस्वीर पड़ी है? हाँ जी, आपको भेज देंगे। ठीक है, तो अब आप हमें नेक्स्ट चीज़ क्या दिखाएंगे अपनी? हम आपको नेक्स्ट दिखाएंगे अपने सिर मुर्गे। तो ये देखें जी नेक्स्ट चीज ये है, ये तो इतना बड़ा मुझे देख के डर लग रहा है, नहीं मुझे दिल पता नहीं डर लग रहा। तो ये आपने कहाँ से लिया था? ये हमने लिया था, ये तो मुर्गी के नीचे से बच्चा निकलवाया था। अच्छा, तो इसकी कितनी की उम्र होगी? इसकी उम्र है 8 माह। 8 माह, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। तो इसकी माँ कहाँ से ली थी हमने? हाँ वो मर गई है, वो सर्दी से मर गई थी। अच्छा, वो भी बहुत मार के चली। तो ये खाद की मुर्गी है? हाँ जी। वो लगता भाई ना करो। तो ये कहाँ से ली थी? ये तो कजन से ली थी। ये माशाल्लाह बड़ी प्यारा रंग है। इसने अंडा बच्चा कोई किया अभी? हाँ जी, इसने इसके भी बच्चे हैं, वो भी दिखाएंगे हमें। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी मुर्गी है। ये बहुत शरारती है। शरारती है? तो ये कौन सी नस्ल में आता है भाई? यार ये देसी गंजा मुर्गा है, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। इसको हमें 3 साल हो गया है, ये को 3 साल उम्र है इसकी। ये छोटा सा था, बिल्कुल ही छोटा चूड़ा था, सबसे पहले हम इसको ले गए। तो इसकी अभी मुर्गी भी छुर्गी नहीं रखी है आपने? ये बेचारा सिंगल है शदीद, इसकी बेगम मर गई है, ये छत पे आवारा घूमता रहता है। अच्छा जी, तो ये मारता मुरता नहीं है दूसरों को इतना बड़ा? तो नहीं नहीं, ये मारता नहीं है, बस इसकी लड़ाई हुई थी, इसने एक मुर्गे को मार दिया था। वेरी डेंजरस, इस वजह से हम दूसरों को बांध रखते हैं, खुला रहता है। ठीक, तो माशाल्लाह ये कौन से ये मुर्गी है चूजे? ये वाला और ये वाला वो ब्राउन मुर्गी के चूजे हैं। अच्छा, और ये जो है ये गंजा, ये अपने बाप पे चला गया। अच्छा, तो ये देखें गंजे की माशाल्लाह हाइट सबसे लंबी है। हाँ जी, बाकी वो 2 सील के हैं, ये हमने देसी मुर्गी के साथ इसका अंडा आया था। अच्छा, वो मुर्गी मार गई तो हमने अंडा रखा था, ये निकल आया था। अच्छा अच्छा, तो माशाल्लाह ये कौन सी नस्ल है? ये भी बैंगम है, गंजे इन्हें शरारता करता ही बेचारा लंगड़ा हो गया। लंगड़ा हो गया, इसका रंग सबसे अलग है, ग्रे सा रंग है इसका। ग्रे है इसका। तो ये अब चल फिर नहीं पाता? नहीं, ये चल फिर नहीं पाता, ये बस बेला बैठा है, रोटियां तोड़ता है। अच्छा।
ये तो हमारे पास भी जोड़ था लेकिन माशाल्लाह ये तो बहुत प्यारे हैं। ये जोड़े हाँ जी, ये माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। तो इन्होंने कोई अंडा अंडा दिया था? हाँ जी, इनका बच्चा भी है। ये बच्चा दिखाएं पहले, ये देखें ये बच्चा इनका माशाल्लाह। ये भी डाटा इसी का। हाँ जी, तो ये भी माशाल्लाह डाटा इसी है। तो इसका भी व्हाइट रंग ही होगा? हाँ जी, इसका भी व्हाइट, वो देखे ना इसके विंग्स आ रहे हैं व्हाइट। अच्छा, और ये भी है, ये और भी है, ये भी जोड़ा है? हाँ जी, नहीं ये नहीं जोड़ा, ये बेचारे की अकेला रह गया था, इनके इसके माँ बाप को कबूतरे ने मार दिया था। एक ये है, एक ये उधर वाले के पीछे अंडों पे बैठा हुआ है, वो अच्छा, मादी बैठी हुई अच्छा। है। अच्छा, तो उस अंडों से बच्चे बच्चे निकलेंगे आप यहाँ से? जी निकलेंगे, दिए तो है। आप देखो पहले तो उन्होंने ये दो अंडे रह गए थे कि ये पड़ा हुआ है, अब देखो इस दफा कुछ निकालते हैं कि नहीं। ये तो ये भी है। कौन सा? हाँ जी, ये के भी, ये इन्होंने काफी अंडे तोड़े थे। मैंने दो माशा के बनाए, एक वो और एक ये, बस इसके आगे जाली नहीं लगी। इसके अंदर इन्होंने अंडे बच्चे भी किए हैं, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इसके आगे भी जाली भी लगवानी है इन्होंने, तो इन्होंने आगे भी आपको दिखाते हैं। किटो जी माँ क्रिकेट खेलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। मार्केट से ये काफी अच्छी है, हमने इनके लिए बजरी भी लेके आए। ये बॉल में रह लेती हैं। ये तो सेम हमारे वाले जैसी हैं, देखो ना ब्लैक और व्हाइट जो हमारे पास मेल है। हाँ जी, ये ब्लैक भी है और येलो और ब्लैक भी है। ये कितने कितने आपके पास पीस हैं इनके? ये 6 पीस हैं, 3 जोड़े मतलब। हाँ जी, तो ये इन्होंने अभी तक कोई बच्चा बच्चे दिया है कि नहीं? नहीं अभी तक तो नहीं दिया है इन्होंने। अच्छा, आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर तलहास वाली चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हमें बहुत खुशी होगी आप सपोर्ट करेंगे। इसको सपोर्ट करने यार ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये हमें पता है। हमें दिल से खुशी होगी आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।